श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नरेंद्र नगर विधानसभा के सुदूर इलाके भैंसियारो क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुदूर क्षेत्र के इस कार्यक्रम में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीण महिलाओं में सहयोग राशि देने की होड़ साफ तौर पर दिखाती है कि उनमें राम के प्रति कितनी आस्था है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक संजय, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और जिला प्रचारक मौजूद रहे। संपूर्ण विश्व में राम मंदिर के लिए समर्पण निधि अभियान चल रहा है कि जिससे एक भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो। गांव-गांव से समर्पण जाए, हर घर से हर व्यक्ति का समर्पण राम मंदिर के लिए हो, ये अभियान चल रहा है। पहले उत्तराखंड में योजना हम लोगों ने बनाई थी कि 5 तक इसको समर्पित कार्यक्रम को चलाएंगे, लेकिन बाद में लोगों के आग्रह को देखते हुए 2 बार हमने कूपन मंगाए और ये अभियान अब 5 की बजाय 15 तारीख तक है। भगवान रामचंद्र भूमि का जो मंदिर भव्य बनने जा रहा है, इसमें हर आदमी अपना समर्पण देना चाह रहा था। उसी के उपलक्ष में यहाँ पर भैंसरो में आज का जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर जो हैं भगवान राम जन्मभूमि मंदिर समर्पण निधि के लिए जो हैं अपना सहयोग दे रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के लोग, पूरी कुंजड़ी पट्टी का जो है यहाँ पर पूरा जनमानस जो है, माता बहनें सब वृद्ध लोग भी जो हैं यहाँ पर अपने समर्पण करना चाह रहे हैं भगवान रामचंद्र के लिए। सारी ग्राम पाली से श्री राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान, आज हम यहाँ पे सब एकत्रित भैसरों में सभी महिलाएं सशक्तिकरण सभी लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे राम मंदिर की चर्चा हुई है, इसमें हम सभी का योगदान है और सब सहयोग बनाए रखे। नरेंद्र नगर के भैंसरों में श्री प्रभु राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो कार्यक्रम पहले 15 जनवरी से 5 फरवरी तक था, लेकिन इसको लोगों का समर्पण देखते हुए और लोगों का हुजूम देखते हुए इस कार्यक्रम को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर खास बात देखने को ये मिली है कि महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद आज के इस कार्यक्रम में थी और वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे थे और पर्ची 10 की या उससे भी अधिक की वो लगातार कटवाने में उनमें होड़ लगी हुई थी। ये बात देखने की होगी कि प्रभु राम प्रत्येक के मन में कितना व्याप्त है, ये यहाँ पर देखा गया। और ये सुदूर क्षेत्र है ये इस विकास खंड का। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति रया।